इस वीडियो में हम मेलिंग टैब के बारे में जानेंगे। ये हमारा मेलिंग टैब है, इसमें फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये क्रिएट ग्रुप, इसके बारे में जानेंगे। तो क्रिएट ग्रुप में दो तरह की कमांड है, एक है इनबल्ब्स और दूसरी है लेबल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनबल्ब कमांड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये दो तरह की ये बॉक्स दिए गए हैं, एक है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो हमने लेटर लिखा हुआ है वो लेटर कहाँ पे भेजना है, ये यहाँ पे लिखेंगे डिलीवरी एड्रेस पे, और जहाँ से हम ये लेटर वगैरह भेज रहे हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ये जहाँ पे हम जहाँ से हम लेटर को भेज रहे हैं ये यहाँ पे लिखेंगे। या इसको रिटर्न एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर डिलीवरी एड्रेस पे कोई लेटर ना मिले तो ये वापस जहाँ से भेजा हुआ है ये लेटर वहाँ पे वापस मिल जाए, तो हम यहाँ पे अपना रिटर्न एड्रेस भरते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे हमने अपना डिलीवरी एड्रेस भरा, ये भरा। इसके बाद सेक्टर, यहाँ पे ये कुछ भी भर दिया, ये तो ये हमारा सपोज करो ये डिलीवरी एड्रेस है। इसके बाद रिटर्न एड्रेस, इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न एड्रेस भरेंगे। जैसे सपोज करो मैं अपना यहाँ पे नाम लिखता हूँ, यशपाल सिंह। इसके बाद ये सपोज करो कुछ भी और लिख दिया मैंने, ये अपने चैनल का नाम, बायस ज्ञान टेक, ये सपोज करो मेरा रिटर्न एड्रेस है ये। तो ये देखो, ये जो है इसमें प्रीव्यू शो कर रहा है, ये ऊपर जो है ये हमारा रिटर्न एड्रेस है ये, और नीचे जो लिखा हुआ है ये लाइनें, ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा ये जो रिटर्न एड्रेस है ये इनबल्ब में ना आए और ये जो डिलीवरी एड्रेस है केवल यही हमारे इनवर्ट में आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमिट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये क्या होगा, ओमिट पे क्लिक करते ही ये जो रिटर्न एड्रेस है यहाँ से चला जाएगा, और ये क्या रह गया हमारे पास, ओनली डिलीवरी एड्रेस। तो ये करने के बाद सपोज करो ये मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ये देखो मेरे पास जो आई है डिलीवरी एड्रेस ही रह गया है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस ये नहीं आए। तो इसके बाद ये अगला आगे चलते हैं हम, कि ये दोनों एड्रेस को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं ये, जैसे सी, इसके बाद ये, अब क्या है कि ये एड्रेस डिलीवरी एड्रेस भी आए और ये रिटर्न एड्रेस भी आए, हम यहाँ से चेक मार्क इसको हटा देंगे, ये देखो हटाया। अब क्या है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में रिटर्न एड्रेस भी आएगा ऊपर, और ये जो नीचे है ये डिलीवरी एड्रेस ये भी आएगा, ये देखो। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐड टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमारे पास ये हमारा रिटर्न एड्रेस भी आएगा और ये डिलीवरी एड्रेस भी आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अगला, ये इसके बाद फिर से हम यहाँ पे मेलिंग टैब पे जाएंगे, इनबल्ब पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये डिलीवरी एड्रेस फिर से हमें लिखना पड़ेगा, ये कुछ भी यहाँ पे सपोज करो पहले जो लिखा था वही लिखते हैं, ये लिखा। लिखने के बाद अगर ये हमारा एड्रेस है, ये एड्रेस जो है ये अगर ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट, अगर यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगा ये। तो ये अगला ऑप्शन, ऑप्शन का है, ये ऑप्शन को लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या होता है, ये इनबल्ब साइज़, ये जो हमारा इनबल्ब बना हुआ है इसका साइज़ कितना रखना है, ये अलग अलग साइज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखो इसका प्रीव्यू शो होगा नीचे, जहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऐसा दिखाई देगा,
ये ऐसे दिखाई देगा, जो भी इन बल्ब चाहिए उस साइज का इन बल्ब यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये इसी हिसाब से आएगा, ये इसी हिसाब से आएगा। तो जो भी इन बल्ब चाहिए जिस भी साइज का, वो इन बल्ब यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद है डिलीवरी एड्रेस। हम चाहते हैं कि डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट ये अलग हो, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड करना है। अगर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, ये बी, ये देखो। और साइज इसका बढ़ाना है, कम है हमारे इन बल्ब में, साइज इसका कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से साइज बढ़ाएंगे। जैसे 18 यहाँ पे मैंने किया। ये करने के बाद अगर ये हो गया, ये इसके बाद चेंजिंग और भी करनी है मैंने, ये यहाँ से कलर चेंज करना है। ये सपोज करो यहाँ पे ये कलर लिया, ये आ गया। ये करने के बाद अंडरलाइन लेनी है, तो यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल भी हम चूज़ कर सकते हैं, अगर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये हमारा डिलीवरी एड्रेस के लिए सेट हो जाएगा ये जो है फॉन्ट। इसके बाद फॉन्ट में आगे क्या है, ये रिटर्न एड्रेस इसके लिए अलग से करना है। जैसे इसका फॉन्ट हमने इटैली किया, पहले का डिलीवरी एड्रेस के लिए बोल्ड किया था, इसके लिए इटैली कर देते हैं। ये इसका साइज अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे यहाँ पे इसका साइज ये रख दिया मैंने 14, ये ले लिया। इसके बाद इसका कलर ये अलग चेंज करते हैं, ये ले लिया। तो ये हमने ये सेट कर दिया, ये ओके। ओके करने के बाद ये अगला है हमारा, जैसे ये डिलीवरी एड्रेस का, अगर ये जो डिलीवरी एड्रेस ये शो कर रहा है, ये डिलीवरी एड्रेस आगे अगर लेफ्ट साइड में करना है या राइट साइड में करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो फ्रॉम लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये क्लिक करते ही हमारा ये जो डिलीवरी एड्रेस है यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम ये देखो धीरे धीरे ये आगे जा रहा है, ये जैसी भी इसकी सेटिंग करनी है डिलीवरी एड्रेस की, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, उस हिसाब से इसकी सेटिंग हो जाएगी। ये देखो, जो भी हम करना चाहते हैं ये वैसे हम, ये देखो प्रीव्यू में शो कर रहा है, ये जो भी चाहिए उस हिसाब से सेटिंग इसकी हो रही है। ये कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमने इसको रोकना है, राइट साइड में चाहिए लेफ्ट साइड में चाहिए, तो वैसे ही ये बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे और इसको पीछे ले जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो फ्रॉम टॉप ऊपर से चाहिए, तो इसके भी ऊपर ले जाना है, नीचे ले आना है ये डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये ऊपर चला गया, ये नीचे ले आना है, ये नीचे आ गया ये। तो जैसे ही हम इसको टॉप से या नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो ये डिलीवरी एड्रेस वहाँ से स्टार्ट हो गई है। इसको ये ऑटो रहने दिया यहाँ पे। इसी प्रकार हम रिटर्न एड्रेस को सेट कर सकते हैं। ये जैसे ये फ्रॉम लेफ्ट, ये देखो ऑटो है यहाँ पे, ऑटो अपने आप ही यहाँ पे सेट हुआ है। ये अगर हम इसको राइट साइड ले जाना चाहते हैं, ये तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो आगे जा रहा है, ये जो रिटर्न एड्रेस है आगे जा रहा है, 1.5 आगे गया ये। अगर पीछे लाना है, ये देखो पीछे जा रहा है ये या आगे, ये देखो आगे जा रहा है ये। जितना भी चाहिए पीछे लाना है, तो हम रिटर्न एड्रेस को नीचे ये क्लिक करेंगे, ये बटन को ये नीचे जाएगा ये, या ये लेफ्ट साइड जाएगा। इसके बाद ऊपर नीचे ले जाना है, तो फ्रॉम टॉप ये देखो ये क्लिक किया, ये देखो नीचे जा रहा है ये और बढ़ाया इसको, ये हमारा रिटर्न एड्रेस जो है नीचे से यहाँ से स्टार्ट होगा ये। अगर फिर उसी पोजीशन में ले जाना है वापस, कितना चाहिए ये हमारी चॉइस है कि हमें कितना ऊपर पे टॉप पे इसको रखना है या नीचे ले आना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। तो हम इसको भी ऑटो, जैसे सपोज ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है ये 1, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ये कर देते हैं ये, तो 1 पे रखते हैं ये। 1 पे रखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी सेटिंग हो गई, ये हमने यहाँ पे फॉन्ट ये भी सेट कर दिया, ये
डिलीवरी एड्रेस का भी और रिटर्न एड्रेस का भी है। इसके बाद क्या करेंगे हम फाइनल इसको क्या करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा ये हमने डिलीवरी एड्रेस इस हिसाब से आएगा ये जो हमने पीछे चूज़ किया ये, और ये रिटर्न एड्रेस जो है इस हिसाब से बन के आएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट का मतलब ये है अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट निकल जाएगा ये इन बल्ब का। अगर हम यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे बन के आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन पे अगला हमारे पास ये प्रिंटिंग ऑप्शन का है ये। तो प्रिंटिंग ऑप्शन में क्या है ये जब हम इन बल्ब को प्रिंट करेंगे तो इस हिसाब से आएगा ये। ये देखो फेस अप, फेस अप मतलब ये हमारे यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है ये हमारे रिटर्न एड्रेस है, इस हिसाब से आएगा। अगर इन बल्ब को ये घुमाना चाहते हैं हम तो फेस डाउन यहाँ पे ये देखो ये फेस डाउन यहाँ पे ऐसे इस तरह से आएगा ये। तो जिस भी स्टाइल को हम लेंगे ये उसी स्टाइल में हमारा ये जो हमने ये इन बल्ब बनाया हुआ है उसका प्रिंट आउट आएगा। तो हम क्या करेंगे ये फेस अप यहाँ पे ये ऑप्शन लेंगे। अब कौन सा ऑप्शन कैसे प्रिंटर में सेट करना है ये यहाँ पे सेटिंग है ये। तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे सेट करेंगे वैसा प्रिंट यहाँ पे बन के आ जाएगा ये। तो ये फर्स्ट को हम चूज़ करते हैं ये या इसको चूज़ करते हैं ये। तो प्रिंटर में इस हिसाब से यहाँ पे ये स्टाइल बता रहा है कि यहाँ पे आपका रिटर्न एड्रेस आएगा, यहाँ पे हमारा डिलीवरी एड्रेस आएगा, और यहाँ पे स्टैम्प वगैरह या ये जो भी है ये यहाँ पे शो कर रहा है कि इस हिसाब से आपका ये प्रिंट निकल के आएगा। या अगले पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये स्टाइल है ये, इससे अगला ये स्टाइल है। अगर ये इस स्टाइल में डालना है हमने प्रिंटर में पे ये इन बल्ब तो इस स्टाइल में आएगा। तो जो भी यहाँ पे हम ऑप्शन चूज़ करेंगे उस स्टाइल से प्रिंटर में हमारा प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो ये करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, फेस अप भी रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो हमने डिलीवरी एड्रेस सेट किया हुआ है और ये जो रिटर्न एड्रेस सेट किया हुआ है हम क्या चाहते हैं ये बन के हमारे पेज में आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया ये ऐड टू डॉक्यूमेंट। ये देखो ऐड टू डॉक्यूमेंट मतलब ये हमारा इन बल्ब बन के आ गया है। इसमें ये जो लिखा हुआ है यशपाल सिंह बायस ज्ञानटेक ये हमारा रिटर्न एड्रेस है ये, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है ये। तो इस प्रकार हम रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस ये अपने इन बल्ब में बना सकते हैं ये। इसके बाद हमारा ये इसको पहले क्या करेंगे ये क्लोज करते हैं ये क्लोज किया हमने ये, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे ये न्यू, यहाँ पे न्यू नया पेज लेते हैं ये। नया पेज लेने के बाद सेकंड कमांड को करेंगे ये, सेकंड कमांड है लेबल्स। कभी कभी क्या होता है हमें लेबल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टिकर होते हैं जो कि हमने कहीं पे लगाने हैं, वो बनाने के लिए कि हम एक ही बार लिखे हों और ये स्टिकर बहुत से स्टिकर बन के हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे ये यहाँ पे लेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल सेकंड कमांड है हमारी। तो लेबल पे क्लिक करते ही हमारे पास ये आ जाएगी। इसमें सपोज करो मैंने अपने नाम और साथ में चैनल का नाम, इसके स्टिकर बहुत से स्टिकर बन के आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। जैसे यहाँ पे अब मैंने अपना नाम लिखा यशपाल सिंह, इसके बाद बायस ज्ञान टेक ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम है इसके स्टिकर जो हैं अलग अलग लेवल जो हैं बहुत से लेवल बन के आ जाएं। तो ये लिख दिया। लिखने के बाद अब है फुल पेज ऑफ द सेम लेवल यहाँ पे क्लिक किया हुआ ये। अब यहाँ पे ऑप्शन लेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया है। ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे स्टाइल आ जाएंगे। तो यहाँ पे
वन, ये दो एक फेज में दो आए, ये फर्स्ट है ये, तो इसका ये प्रॉपर्टी है हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, पेज साइज ये दिया हुआ सारा ये। अगर एक पेज में चार यहाँ पे शो हो ये लेवल, तो ये देखो ये ऑप्शन हम लेंगे। ये ऑप्शन लेने के बाद ये जैसे सपोज करो ये लिया हुआ है कि एक पेज में हमारे पास चार लेवल बन के आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ये सेट कर दिया है। ये सेट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो एक पेज के ऊपर चार लेवल यहाँ पे बन के आ जाएंगे। ये देखो चार लेवल बन के आ गए। अगर हम चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर इससे ज़्यादा लेवल चाहिए, तो हम ये दूसरे जैसे यहाँ पे हम ये न्यू कर देते हैं, ये नया पेज ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे लेवल के ऊपर जाएंगे। लेवल के ऊपर जाने के बाद फिर हम यहाँ पे एड्रेस पे, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, ये लिखा, इसके बाद अपने चैनल का नाम ये लिखा। अब इसके लेवल और ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे कितनी चाहिए 30 पर पेज, एक पेज के ऊपर कितनी चाहिए 30 लेवल चाहिए हमें, तो 30 लेवल एक पेज के ऊपर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ये। और ये इसकी लेवल की इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाइट इसकी इतनी है, विड्थ इतनी है, पेज साइज इतना है इसका, तो ये सेट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो एक पेज के ऊपर यहाँ पे 30 लेवल्स बन के आ जाएंगे, जिसको स्टिकर बोला जाता है, ये बन के आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये देखो। अब क्या करेंगे हम इसको प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से एक एक लेवल को निकाल सकते हैं ये, तो ये इस प्रकार हम लेबल्स वगैरह को यहाँ से निकाल सकते हैं ये। तो ये हमारी दोनों कमांडें यहाँ पे कंप्लीट हुई है, जैसे यहाँ पे मेलिंग पे जाने के बाद ये इनवल्प कमांड और लेबल कमांड, तो इसके बारे में जाना इस वीडियो में हमने। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।